तस्वीरें हरियाणा के हिसार की हैं। कार शोरूम के बाहर दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठता है। शोरूम के बाहर एक बाइक पर तीन लड़के मौजूद हैं। एक बाइक चला रहा है तो बाकी दो हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग करने वाले तीनों लड़कों ने मुंह पर गमछा बांध रखा है। सफेद टी शर्ट में बाइक पर बैठकर एक अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। लाल टी शर्ट में खड़ा बदमाश गोलियां चलाने के बाद अपनी गन को रीलोड करता है और दूसरी बार फिर पूरी मैगजीन खाली कर देता है। पहले दिल्ली के रेस्टोरेंट में मर्डर और अब हिसार में कार शोरूम के बाहर फायरिंग। बीते एक हफ्ते में इन दो बड़ी वारदात ने दिल्ली क्राइम मार्केट में हलचल बढ़ा दी है। हिसार गोली कांड में भी हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आ रहा है। फायरिंग के बाद फेंकी गई पर्ची में 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। माना जा रहा है भाऊ गैंग दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपनी दहशत को बढ़ाने की कोशिश में लगा है। भाऊ और बिश्नोई गैंग की अदावत काफी पुरानी है। मार्च के महीने में भी हिमांशु भाऊ गैंग ने 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। 21 साल का हिमांशु भाऊ पुर्तगाल से बैठकर गैंग ऑपरेट करता है और लॉरेंस के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने की कोशिश में लगा है। हिसार में इस गोलीकांड को भी बिश्नोई के खिलाफ भाऊ गैंग का चैलेंज माना जा रहा है। अमन हत्याकांड में शामिल बदमाश अभी भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और अब हिसार में हुई इस फायरिंग के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस की चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।